बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। गुलिस्तान लाइव मैं आपका खैर मकदम। उसके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका मेज़बान पीर मुजफ़र। जैसा कि आप जानते हैं, देर रात से ही मौसम में तब्दीली के आसार यहाँ पे हमें देखने को मिले और मौसम ने करवट बदली है। और फिलहाल अगर हम अच्छा पल की बात करें, यहाँ पे बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आप भी अपने अपने इलाके से अपडेट कीजिए, कहाँ कहाँ पे इस वक्त मौसम का हाल क्या है। फ़िलहाल मैं बता दूँ, जैसा कि महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया था कि देर रात से ही मौसम में फिर एक बार यहाँ पे हमें जो तब्दीली के आसार वो देखने को मिलेंगे। तो फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि अच्छा बल के साथ साथ अगर हम उन इलाकों की बात करें जहाँ पे देर रात से ही मौसम ने करवट बदली है, खासकर अच्छा बल, शांगस, डोरू, वेरीनाग या कोकरनाग के जो ऊपर वाले इलाके जाते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, लाइव का कोई ना कोई मुद्दा व मकसद होता है। मैं इसलिए लाइव आया हूँ, एक तो सुबह सुबह आपसे अपडेट करूँ मौसम के हवाले से, दूसरा ये कि अभी एक ऑर्डर निकाला है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन लारनू कोकरनाग ने कि देर रात सिंथन टॉप और मरगन टॉप पे भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण दोनों धरनों को फिलहाल यानी दोनों रास्तों को फिलहाल बंद किया गया है ट्रैफिक की आहुजाही के लिए। तो जितने भी हमारे नाज़रीन किराम हैं, खासकर जो कश्तवाड़ जाना चाहते थे या मड़व वड़व, फिलहाल वो एहतियात से काम ले। और या जो ड्राइवर हजरात, उनसे भी कहा गया है कि वो फ़िलहाल उस एडवाइस पर अमल करें जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। तो अगर यूँ हम कहें कि अब विंटर ने यहाँ पे पूरी तरह अब दस्तक दी है, क्योंकि अगर हम पर साल की बात करें तो 5 नवंबर को ही पहली यहाँ पे बर्फबारी हमें देखने को मिली थी। लेकिन फ़िलहाल अगर हम आज की बात करें तो अल्लाह का करम है, अभी तक मौसम ठीक ही था। लेकिन सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि सर्दी में भी काफ़ी हम शिद्दत महसूस कर रहे हैं और गर्म मलबूसात का हमने अब यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो आप भी अपने अपने इलाके से अपडेट कीजिए। बशीर अहमद, रेन स्टार्ट्स इन मंडीगाम, काजी आबाद, शेख शिकवेरी, अब्दुल गनी, मच्छर में 4 इंच बर्फ। अपने अपने इलाके से हम इसको अपडेट कर रहे हैं हर कोई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान लाइव फीड के साथ जुड़ने के लिए। हमें आप लोगों का प्यार चाहिए और हम आपको सुबह सुबह हर खबर से बाखबर कर रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, अगर हम ऊपर वाले इलाकों की बात करें जहां पर पहले ही ये पेशनगोई की गई थी कि मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, तो वही अगर हम फिर से बता दूँ, सिंधन हो, कश्तवाड़ हो या मरगन टॉप, वहाँ पे फिर एक बार बर्फबारी देखने को मिली है। शबीर अहमद हैवी रेनफॉल शुपियाँ से भी यही इतला आ रहे हैं कि वहाँ पे भी रेनफॉल इस वक्त हो रहा है। श्रीनगर में भी, गांधरबल से भी, कुल मिलाकर अगर हम वादी के अतराफ अकनाफ की बात करें तो हर जगह से यही इतला आ रहे हैं कि बारिशों का एक और सुपेल यहाँ पर इस वक्त देखने को हमें मिल रहा है। गणेश कुमार शर्मा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गणेश। बहुत बहुत शुक्रिया सभी जो हमारे नाज़रीन किराम है जुड़ने के लिए। आप जहाँ भी रहे सलामत रहे, हमारी दुआएं आपके साथ है। आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। पूरी हमारी गुलिस्तान न्यूज़ टीम या गुलिस्तान लाइव फीड की जो टीम है उसको फ़िलहाल मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आप जो लाइव तस्वीरें अच्छा बल अनंतनाग से देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त जो महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिशों का एक और यहाँ पर दौर हमें देखने को मिलेगा। फ़िलहाल देर रात से ही मौसम ने करवट बदली है और फ़िलहाल जो मौसम है वो इस प्रकार का है कि बिल्कुल बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और आप भी अपने 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 इलाके से हमें अपडेट करते रहें कि कहां कहां पर मौसम का हाल क्या है। फिर से मैं बता दूं कि मौसम काफ़ी ठंड हो चुका है, सर्दी की शिद्दत में हमें इस वक्त इजाफा
देखने को मिल पा रहा है। तो वहीं सुबह सुबह हमने सोचा कि अपने नाज़रीन किराम को मौसम के हवाले से अपडेट करें। हैवी रेन रोहमू पुलवामा। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। डार एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जुनेर डार व्हाट अबाउट मंगहाल रोड मगर रोड मगर रोड आई थिंक वहाँ पे भी शायद देर रात बर्फबारी होगी जिसके कारण उस रोड को फिलहाल यातायात के लिए बंद करना पड़ेगा, लेकिन उस हवाले से भी हम आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे जो भी हमारे पास इतलात होती है, चाहे हम नेशनल हाईवे की बात करें या मगर रोड की बात करें या सुल्तान कश्तवाड़ जितने भी अहम शहराए हैं उनके उस हवाले से हम आपको इंशाल्लाह पूरी तरह बाखबर करते हैं कि कहां कहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो फिलहाल मैं फिर से बता दूं मौसम का हवाल इस प्रकार का है कि हैव रेन फॉल इन पाम्पोर बिलाल हुर्रा अस्सलाम वालेकुम श्रीनगर मंसूर भट मंसूर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल जो अभी एक भाईजान बोल रहा था कि मगर रोड की हालत या वहाँ की स्थिति क्या है, तो मैं बता दूँ उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। फुल रेन खिरम अनंतनाग कुल मिलाकर जो मौसम ने अपडेट दिया था जो मौसम का जो अपडेट है उस प्रकार से फ़िलहाल बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप खुश रहे आबाद रहे और हमें भी अपने अपने दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल नाज़रीन मोहतरम सुबह सुबह का अपडेट था मौसम के हवाले से, वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया। और बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ। दीजिए अपने मेज़बान पीर मुजफ्फर को इजाज़त इस वादे के साथ, अल्लाह ने चाहा आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। आप जहाँ भी होंगे खुश रहे आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे।